हाय गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एबी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इवोमी जीट एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। इस स्कूटर का डिजाइनिंग की बात करें दोस्तों तो यह स्कूटर दिखने में काफी स्टाइलिश और डिजाइनिंग दिखने में लगता है। इस स्कूटर की पूरी बॉडी दोस्तों जो की पूरी फाइबर की बनाई गई है, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी और मजबूत बिल्ड क्वालिटी की इसकी बॉडी बनाई गई है। इस स्कूटर की रेंज की बात करें दोस्तों तो इस स्कूटर में आपको 110 किलोमीटर से लेकर 115 किलोमीटर तक की ITC रेंज इस स्कूटर में दिया गया है। और इस स्कूटर की टॉप स्पीड की बात करें दोस्तों तो इस स्कूटर में आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड दिया गया है, जो कि इस स्कूटर में काफ़ी अच्छी लंबी रेंज मिल जाती है और इस स्कूटर की टॉप स्पीड भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इस स्कूटर के आगे की सस्पेंशन की बात करें दोस्तों तो इस स्कूटर में आगे साइड में टेलीस्कोपिक फ्रॉक सस्पेंशन लगाया गया है। और इस स्कूटर की आगे साइड की ब्रेक की बात करें तो आगे साइड में डिस्क ब्रेक लगाया गया है, जो कि ब्रेकिंग सिस्टम आगे की साइड में काफ़ी अच्छी और मजबूती ब्रेकिंग सिस्टम आगे की टायर में दिया गया है। और आगे साइड में एलोवील के साथ में 12 इंच ट्यूबलेस टायर लगाया गया है। इस स्कूटर का डिजाइनिंग की बात करें दोस्तों तो इस स्कूटर में आगे साइड में आपको राउंड शेप का LED प्रोजेक्ट लाइट लगाया गया है और उसके नीचे इवोमी का लोगो लगाया गया है। और उसके बीच में आपको एक ग्रे कलर का पट्टी दिख रहा होगा, जिसकी डिजाइनिंग काफी अच्छा दिखने में लग रहा है। और उसके नीचे लाइट लगाया गया है और उसके साइड में इस स्कूटर के टर्न इंडिकेटर दिया गया है, जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। और इस स्कूटर के पीछे साइड से बात करें दोस्तों, पीछे साइड में काफ़ी अच्छा और मजबूत ग्रेब हैंडल लगाया गया और उसके नीचे टेल लाइट, जो कि LED टेल लाइट लगाया गया और साइड में LED टर्न इंडिकेटर लगाया गया है। इन सभी के कारण पीछे साइड से दिखने में काफ़ी अच्छा यह स्कूटर दिखने में लगता है। इस स्कूटर में बूट स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया और इस स्कूटर के फ्लोरबोर्ड के पास भी काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया, जैसे कि गैस टंकी या तो कोई भी बड़ा सामान आप आगे फ्लोरबोर्ड के पास काफ़ी अच्छे और आराम से रख सकते हैं और कहीं ले आ सकते हैं। इस स्कूटर में 1.8 किलोवाट के BLDC से हब मोटर लगाया गया है। और इस स्कूटर की बैटरी की बात करें तो इस स्कूटर में आपको 2.5 किलोवाट की बैटरी पैक लगाया गया है। और इस स्कूटर की बैटरी को 0 से 100% फुल चार्ज करने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लगता है। इस स्कूटर के पीछे साइड डुअल स्प्रिंग शॉक सस्पेंशन लगाया गया और इस स्कूटर के पीछे साइड में एलोवील के साथ में 12 इंच ट्यूबलेस टायर लगाया गया। और इस स्कूटर के पीछे साइड में ब्रेक में इस स्कूटर के ड्रम ब्रेक लगाया गया। और इस स्कूटर की वेट की बात करें तो इस स्कूटर की 83 kg का इस स्कूटर की कर्व वेट आती है। इस स्कूटर में डिजिटल डैशबोर्ड लगाया गया है, जिसमें ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, रेंज, बैटरी और बैटरी प्रेशर शो करता है। USB पोर्ट, चार्जिंग और इसके साथ में रिवर्स मोड क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। और इस स्कूटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन और मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ में और भी कई तरह के फीचर्स इस स्कूटर में दिया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट करके लेके हमें जरूर बताएं। इवोमी जीट एक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर की वारंटी की बात करें दोस्तों तो इस स्कूटर की बैटरी की वारंटी 3 साल की दिया गया कंपनी की तरफ से। और इस स्कूटर की मोटर की वारंटी 2 साल की कंपनी की तरफ से दिया गया है। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर टोटल 4 कलर्स में आते हैं दोस्तों, जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। इस स्कूटर के प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये स्कूटर 1,10,000 से 1,20,000 रुपये में ऑन रोड प्राइस में ये अभी आती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। जो तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।